गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू platform. Hopefully, आप सब ठीक होंगे अच्छे से होंगे आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की personality के साथ फिर से आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की uh... पर्सनैलिटी के साथ फिर से हम लोग जुड़े हुए हैं जहां पे आज हम लोग दादाबाई नरोजी को पढ़ने की कोशिश करेंगे वन ऑफ द मेजर पर्सनैलिटी इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आई एन सी इन द फॉर्मेशन ऑफ आई एन सी इन द अर्यस्ट स्टेज वॉज हैविंग अ वेरी ग्रेट फेथ ऑन ब्रिटिश एम्पायर बहुत ज्यादा उनको ब्रिटिश एम्पायर पे फेथ भी था बट लेटर ऑन ही चेंज हिज व्यू रिगार्डिंग द ब्रिटिश रूल एंड ही वर्क फॉर द कम्युनिटी ऑफ पारसीस पारसी लोगों के लिए बहुत काम किया वेल वी रिमेंबर द दादाबाई नरोजी वन सैड लाइक इफ देयर इज अ बेटरमेंट फॉर इंडियन कंट्री इट विल ओनली कम वेन द ब्रिटिश विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एक समय वो था जब दादाबाई नरोजी कहते थे कि भारत तभी आगे बढ़ेगा जब अंग्रेजी लोग उनका साथ देंगे इट वॉज फेथ बट लेटर ऑन कुछ समय के बाद ये सब चेंज हो गया वेल well, अगर मैं आज दादाबाई नरोजी को कंटेम्प्रेरी इंडिया के तौर पे देखू

जिनको पीटी जवाहरलाल नेहरू अपनी बुक में लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में और इंडिया को बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था और द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बनाने में भी दादाबाई नरोजी का बहुत बड़ा हाथ था आज जब देश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो क्या हम इस पर्सनैलिटी से कुछ सीख सकते हैं इस पर्सनैलिटी को कहां पे आप देखते हैं यानी कि अगर हम इंडिया के सोशल इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, इन सारी चीजों को अगर देखें तो क्या दादा भाई नरोजी से हमें कुछ सीखने को मिलता है कोर्स डेफिनेटली बहुत बड़ा नाम है आई रिक्वेस्ट ऑल कैंडिडेट्स अगर आपका कोई प्रश्न होगा इफ देर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दादा दादाबाई नरोजी वंस आई फिनिश माई क्लास आई विल गिव यू ए यून ऑफ फिफ्टीन मिनट्स आपको जितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछने होंगे सो प्लीज यू कैन आस्क मी एज एज क्वेश्चन और आपको याद होगा कि रिसेंटली 2021 में यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो भी सम हो इट इज रिलेटेड टू दादा भाई नरोजी बट नॉट डायरेक्टली इट वॉज रिलेटेड टू द मॉडरेट फेस कि किस तरीके से मॉडरेट ने भारत की फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक स्टेज सेट किया और उसमें से दादा भाई नरोजी भी थे क्योंकि वो एक मॉडरेट थे उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सो so होपफुली आज इनको समझने की कोशिश करेंगे ऑलरेडी एनी बेस इन कंप्लीट है बाल गंगाधर किल को कंप्लीट किया हुआ है भगत सिंह हमने कंप्लीट किया था बिपिन चंद्र पाल वी हैव ऑलरेडी डन उसके बाद हम लोगों ने सी राजगोपाल आचार्य जी उनको हमने कंप्लीट किया चंद्रशेखर आजाद वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और कल हमने दयानंद सरस्वती को पढ़ा आज डी के साथ ही दादाबाई नरोजी को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आप सब जानते हैं कि हम अल्फाबेटिक मैनर में सारे पर्सनैलिटीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे फ्रॉम ए टू जेड और उसमें से जो आज की पर्सनैलिटी है वो है दादाबाई नरोजी वैसे आप सब इनको जानते होंगे मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नए पॉइंट्स हम इनको एड कर पाए क्योंकि हम पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं तो जब हम पर्सनैलिटी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज इंडिया को क्या इनकी टीचिंग की या इनके किसी भी मेथड की जरूरत है क्या ये कोई रोल प्ले कर सकते हैं सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म उम्मीद करता हूं कि ये 30 40 मिनट्स आपकी जो मेरे साथ रहें आप बहुत कुछ सीख के जाएं वेलकम ऑल ऑफ ऑन क्रैक यूपीएससी लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे इंडिया के, के द्वारा आपको classes मिलती हैं। इन से आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं वो यही है कि यूपीएससी एग्जाम टेक द बेनिफिट टेक सम स्पेशल क्लासेस टेक प्लस कोर्सेस और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारे टीचर देखने को मिलते हैं वेल well, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दे दादाबाई नरोजी वन ऑफ द बेस्ट नेम एवर जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया की हिस्ट्री के अंदर दिस इज अबाउट मी सुल तुर्की गाइडेड मोर देन टेन थाउजेंड स्टूडेंट एंड होपफुल आज की क्लास के अंदर मैं भी कोशिश करेंगे हम लोग कि आपको काफी कुछ नया सीखने को मिले एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल होपफुली जो कैंडिडेट्स आज पहली बार जुड़े हैं आई रिक्वेस्ट दैन की डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल

कहां पे स्टैंड कर रहे हैं कहां पे गलतियां हो रही हैं वो आप यहां पे ठीक कर सकते हैं द कैंडिडेट आर लुकिंग फॉर दे पर्टिकुलर एजुकेटर की एक एजुकेटर वहां होना चाहिए जो हमें गाइड करे तो यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विद द लाइव मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म स्टडी प्लान ओपन हाउस विद द एजुकेटर एंड हु आर हैविंग सम फाइनेंशियल इश्यूज लेकिन यूपीएससी को क्वालिफाई करना है तो ये बहुत राइट right टाइम है बेटा बेस्ट टाइम एवर यू कैन गो फॉर द लोन प्रोसेस इट विल टेक जस्ट टू वॉर टू कंप्लीट द होल प्रोसेस एंड देयर इज नो हिडन चार्जेस एंड फ्लेक्सिबल टाइमिंग नो प्रोसेसिंग फीस अपार्ट फ्रॉम दैट हियर यू कैन यूज माई कोड सोहेल टेन टू गेट ए टेन परसेंट ऑफ इंस्टेंट डिस्काउंट वाई यूजिंग माई कोड आई विल बी देयर टू गाइड यू प्रॉपरली फॉर वन ईयर एंड टू ईयर एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोहेल थोर

हम लोग अपने देश की तरफ जब देखते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखती हैं ये प्रॉब्लम आपको सोशली भी दिखती होंगी पॉलिटिकली भी दिखती होंगी इकोनॉमिकली भी दिखती होंगी और ये एग्री भी करते हैं आप लोग कि हम लोग चाहते हैं कि 2030 तक जो हमारा संकल्प है कि हमने ये कहा था कि भारत को हम लोग ट्वेंटी तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक जो हमारा गोल है वो हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे लेकिन इस बीच में आपको लगता भी होगा जब आप डेली न्यूज पढ़ते हैं कि कुछ इश्यूज अभी भी ऐसे हैं समाज के अंदर जो ठीक नहीं हो पाए क्या हम इन जो मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं जिनके बारे में मैं पढ़ा रहा हूं या जो आने वाली पर्सनैलिटीज हैं ये बेसिकली खाली पढ़ने के लिए नहीं है इनको हम प्रैक्टिकल शेप में यूज कर सकते हैं यानी आज अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या हम इनसे कुछ सीख सकते हैं अफकोर्स फिर वो ऐसे में वो पॉइंट यूपीएससी ने नहीं डाला होता कि हिस्ट्री रिपीट इट कि आप इतिहास अपने आप में खुद को ही दोहराता वी टॉक अबाउट द दादा अ ब्रिलियंट वन ऑफ द इंटेलिजेंट एजुकेशनिस्ट ए ग्रेट रिफॉर्मर ए ग्रेट हिस्टोरियन ए ग्रेट स्कॉलर अ ग्रेट इंटेलैक्चुअल सिस्टम नॉलेज अबाउट नॉलेज अबाउट द इकोनॉमी नॉलेज अबाउट द रिलीजन well. so, अगर आपको याद होगा इन लोगों को पढ़ने के बाद समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूं बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है आपको याद होगा ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में सबसे पहले दादा भाई नरोजी ने ही बताया था कि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से पैसा लूट के ले जा रही उससे पहले किसी को पता नहीं था लेकिन मुझे अभी भी वो टाइम याद आता है कि जब दादा भाई नरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ हेरी थी उससे पहले वो कहते थे अंग्रेज सबसे अच्छे हैं लेकिन लेटर ऑन जब उन्होंने इनके ऊपर रिसर्च की तो कहा नहीं ये तो वेल्थ लूटने के लिए आए इसीलिए मैं कहता हूं कि समय लगता है किसी भी चीज को समझने के लिए और जब मैं इनको आज ये कॉन्टेक्स्ट आज का मैंने डाला हुआ है दादाबाई नरोजी लेगेसी एंड इनक्लिस्टली इंडिया इज वर्थ रिमेंबरिंग इन दिस टाइम लाइक आज के टाइम पे जब कोविड नाइनटीन है जब बहुत सारी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं रिमेंबर इन द टाइम ऑफ ह्यूमनिज्म इसको हम लोग वर्ड जब यूज करते हैं तो यू कैन यूज दिस वर्ड एज एक्सट्रीम पेट्रियाज एक्सट्रीम एक्सट्रीम पेट्रियाज्रीम पेट्रियाज्मी एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म ये बहुत खतरे वाले शब्द हैं समझिएगा मेरी बात और आप ही ये मानते हैं कि समाज के अंदर अभी हमारे ये वाले इश्यू बहुत ज्यादा है और इनको यूज करके आप इस समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं प्लीज इनको अंडरस्टैंड करने की यूज कीजिएगा ये जो हो जाएगा ये होगा एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म और ये होगा एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म एक इंटेलेक्चुअल होना बहुत अच्छा है लेकिन एंटी इंटेलेक्चुअल होना बहुत डेंजरस हो सकता है तो ये जो पर्सनैलिटी है ना इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं आज के इश्यूज को और मुझे लगता है कि अगर आप पूरी प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो वो दो ही प्रॉब्लम दिख रही हैं हमें आज उम्मीद है कि आप इस बात से एग्री भी करेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दैट एनीमेट दैट द करंट लीडरशिप जो आज हमारे समाज के अंदर हमारे लीडर हैं बुरा नहीं मानिएगा उम्मीद है आप समझेंगे करंट लीडर अब आप करंट लीडर किन्हें मानते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा करंट लीडरशिप एंड रनिंग द काउंटर टू द ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म रिमेंबर ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही रिलेटेड थे जितने भी आपने इससे पहले लीडर पढ़े वो भी पॉलिटिकल पार्टी ही रन करते थे लेकिन जब मैं कंपैरिजन करता हूं आज के पॉलिटिकल सिस्टम को और पुराने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम को दियर इज अल्ल ऑफ डिफरेंस इन आई होप यू ऑल विल एग्री बटा बटा सा लगता है देश नेशनलिज्म तो नहीं रहा पॉलिटिकल नेशनलिज्म नहीं रहा है पॉलिटी आई यू कैन कॉल इट्स पार्टी नेशनलिज्म हो चुका है बेटर इज टू कॉल इट इज पार्टी नेशनलिज्म देन कॉलिंग पॉलिटिकल नेशनलिज्म ये पार्टी नेशनलिज्म हो चुका है हर कोई अपनी पार्टी को लेके जी रहा है याद करिएगा फिर गांधी जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मेरा बस अगर चलता तो मैं आजादी के बाद नेशनल इस आईएनसी को खत्म कर देता क्योंकि इस आईएनसी के अंदर ना पावर आ गया है। वो का वो आ गया गया है है वो वो का पॉइंट यू ओपन हिस्ट्री यू विल फाइंड वन थिंग दैट द द होल हिस्ट्री हिस्ट्री इज़ ऑफ क्लास इन क्लास स्ट्रगल एंड होल हिस्ट्री इज़ टूडे इन ट्वेंटी पोलिटिकल नेशनलिज्म इंडियन नेशनलिज्म ये वो आपको भारत का नेशनलिज्म नहीं दिखता है पार्टी नेशनलिज्म दिखता है वेयर सिविल एग्री या डिसएग्री आई होपफुली आप एग्री करेंगे इस बात से हमें ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स की जरूरत है और मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें आप भाई वापस दादा भाई नरोजी चाहिए नहीं हम उनके थॉट को यूज कर सकते हैं आज एग्री करिएगा सुबह से मॉर्निंग में शाम से शुरू होते हैं हम लोग तो मैं ये मानता हूं ये देश है ये इंडिया है ये पार्टी नहीं है और आईएनसी को जब हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि मैं आज की आईएनसी की बात नहीं करता हूं प्लीज डू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द आईएनसी तो इसका मतलब आज की कांग्रेस की बात नहीं चल रही है ये बात चल रही है जब हम आजाद नहीं हुए थे तो उसको कहा गया था इट इज अम्ब्रेला ये एक छतरी है जिस छतरी के नीचे सारे लोग खड़े लेकिन आज वो छतरी आपको दिखती नहीं है अच्छा देन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज द एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म जब देश जब एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म हो जाए जो मैंने शब्द यहां पे लिखा है और जब एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म आ जाए जब आपको ये लगे कि भाई सब कुछ जो हो रहा है सोहेल तुर्की की वजह से हो रहा है सब कुछ जो जानता है वो सोहेल तुर्की जानता है सुहेली को पता है कि हिस्ट्री में क्या आएगा क्या नहीं आएगा यह खतरे की घंटी है देश एक चीज से नहीं चलता है कभी भी याद रखिएगा कि देश में मिक्सचर होना बहुत जरूरी है मेरी इंपॉर्टेंस दूसरे की इंपॉर्टेंस हम सबको कंट्रीब्यूट करना है नहीं तो सोच खत्म हो जाएगी एक ही तरह के सारे लोग होंगे तो कैसे आगे बढ़ी इस समय हमारे इंडिया को अगर कोई लीडर्स की जरूरत है तो ऐसे लीडर्स की जरूरत मॉडरेट थे ना ज्यादा एक्सट्रीम ना ज्यादा कम मैं तो मुझे उम्मीद है कि इस क्लास को पढ़ने के बाद आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा को समझ पाएंगे कि हम लोग कहां पे। इस इनको अगर आप देखेंगे तो क्यों मैं इतना इनके बारे में बता ये तो आज के इश्यूज हैं जो हम लोग सीख सकते हैं नोन फॉर इट्स नंबर ऑफ डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इंडिया मैनी फर्स्ट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एज ही इज नोन बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक थिंकर इकोनॉमिक थिंकर दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट पहले ही है फर्स्ट 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 वर्ड यूज हो रहा है एंड द फर्स्ट लीडर टू एस्टेब्लिश स्वराज एज द गोल ऑफ द कांग्रेस तीनों चीजों में फर्स्ट है वो wow, मुझे अभी भी याद आता है ना कि हम सबसे ज्यादा किनको याद रखते हैं, हम याद उन लोगों को रखते हैं पहले वो काम किया पार्लियामेंट में इलेक्ट भी हुए। ये पहले स्वराज को एज ए गोल लिया था कांग्रेस के अंदर अब याद रखिएगा कि स्वराज का वोट जो है वो हमें दयानंद सरस्वती ने दिया था मैंने कल आपको क्लास के अंदर ये बताया भी था कि ये उन्होंने दिया है दयानंद सरस्वती ने दिया है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल शेप सबसे पहले गोल कांग्रेस का जो बनाया गया था वो दादा भाई नरोजी ने बनाया था कल क्लास के अंदर डिस्कशन हुई थी नाउ ए बीइंग एज अ फर्स्ट मेंबर ही वाज फर्स्ट हुए ब्रिटिश इन अगेन द ब्रिटिशर इन 1859। याद करिएगा कि एटीन यानी 1857, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आफ्टर 1858, 1859 कंसर्न द रिक्रूटमेंट टू द इंडियन सिविल सर्विस क्या बात जिस एग्जाम के लिए आज आप तैयार हो रहे हो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए उनके बारे में सबसे पहले बात करने वाले दादाबाई नरोजी थे ये था इंटेलेक्चुअलिज्म इसको कहते हैं इसमें कहीं पे भी आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, है, है, हैं वो कह कि इंडिया के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है क्योंकि ब्रिटिश लोग सिर्फ अपने लेके आ रहे थे पूरा इंटायर सिस्टम जो था वो ब्रिटिश लोगों के ही अंडर हो चुका था तो इनका कंसर्न था कि देखिए 1857 का रिवॉल्ट हो चुका था 1858 के अंदर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी पास कर दिया लेकिन 1859 के अंदर दादा भाई नरोजी कहते हैं कि अगर भारत को आप आगे बढ़ना पड़ेगा तो सिविल सर्विस में हमें अपने यंग स्टूडेंट्स चाहिए आज हम भी यही मानते हैं कि हमें आप जैसे स्टूडेंट चाहिए जो अभी ये क्लास देख रहे हैं आप जैसे चाहिए जो इस देश को करप्शन से जो इस देश को एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म से जो इस देश को एंटी पैट्रियोटिज्म से जो इस देश को सोशल इशूज से बचा सकते हैं अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी सही रही अगर हमारे ऑफिसर इंटेलेक्चुअल रहे अगर हमारे ऑफिसर सही तरीके के हुए तो डेफिनेटली जो गोल हमने 2030 तक देखा है कि भारत को हम हर चीज से फ्री करवा देंगे तो डेफिनेटली ऐसा होगा और यही सोच अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी वही देखने को मिले ये कंसर्न था उनका कि हमारे रिक्रूटमेंट के ऊपर इंडियन सिविल सर्विस में उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए मैं आज के तौर पे अब तो हम आजाद हो चुके हैं वो तब ये कह रहे थे कि इंडिया के लोगों को मौका मिलना चाहिए अब हमने आपको मौका दे दिया है सर्व करने का कंट्री को आपके पास पावर भी आपके पास सब कुछ है तो आप क्या करेंगे अक्सर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है कि आप क्यों आई ऑफिसर बनना चाहते हैं आप क्यों आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं अक्सर हम लोग यही जवाब देते हैं कि सर मुझे देश के अंदर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करना यह एक कॉमन सा सवाल होता है सब पूछते हैं आपसे कि क्यों बनना चाहते हैं और भी तो तरीके थे आप देश को और भी तरीकों से सर्व कर सकते थे आप एक एनजीओ चला लेते या आप और कुछ काम कर लेते तो आप लोग कहते कि नहीं सर ये जनून है मेरा ये पैशन है मेरा मैं यहां पर रहते हुए समाज के उन वर्गों के लिए काम करना चाहता हूं जो शायद मैं एनजीओ के अंदर नहीं कर सकता मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूं जो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही ठीक हो सकते हैं। मैं अगर एनजीओ के थ्रू काम कर yes, course, एक बहुत अच्छा हो सकता ये लेकिन मैं रूट कॉज पे जाना चाहता हूं मैं जस्ट एक दिन के लिए काम नहीं करना चाहता और अगर मुझे रूट कॉज पे जाना है और अगर सच में मुझे इस देश को आगे ले जाना है तो मुझे इस करप्शन की जड़ों को खत्म करना होगा मुझे यहां के अंदर जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको बचाना है और मुझे उसके कॉज पे जाना है कि ये कौन खत्म कर रहे हैं और वो अगर पॉसिबल होगा सर वो तभी होगा जब मेरे हाथ के अंदर एटलीस्ट मेरे पास इतना पावर होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर जो मैं इस देश के लिए अब करना चाहता हूं जो हो गया सो हो गया ट्वेंटी थर्टी या ट्वेंटी फोर्टी तक मैं अपने देश को टॉप पे देखना चाहता हूं जहां पे एक रिसोर्सफुल देश हम बना पाए क्योंकि हम बहुत अब डिपेंडेंट होके जी लिया अब देश को हम लोगों ने इंडिपेंडेंट देखिए हर कोई आजादी चाहता है तो देश भी तो आजाद हो अब आप कहेंगे कि हम तो 1947 में आजाद हो गए आजादी किस चीज़ से आजादी गरीबी से आजादी इन सोशल इश्यू से आजादी ये जो मिलियंस ऑफ लोग जो अभी स्कूल में नहीं है मैंने ड्रग्स के बारे में अभी रिसेंटली आपको रिपोर्ट बताई कि ड्रेड डिस्ट्रिक्स about, about हैं जो सबसे ज्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व है उससे फ्री करवाना है यह सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब एक अच्छा ब्यूरोक्रेट एक अच्छा ऑफिसर हमारे समाज के अंदर आए और बहुत ही इंटेलेक्चुअल होगा और सेंसियर होगा कि हाँ डेफिनेटली कर पाए और यह सारी चीजें आपको दादा भाई नरोजी से सीखने को मिलती है वंस ही स्टार्टेड स्ट्रेस ऑन द इंडियन नेशनलिज्म बेसिकली ये नेशनलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेंगे अब देश के अंदर देखिएगा कि आज भी हम लोग जब भी हमारी बात होती है हम यही कहते हैं कि देश अगर आजाद हुआ था वो हुआ था नेशनलिज्म नेशनलिज्म को अगर हम सिंपल मीनिंग में भी देखें क्लास टेंथ की एनसीआर चैप्टर नंबर फर्स्ट नेशनलिज्म इन यूरोप एंड क्लास टेंथ एनसीआर चैप्टर नंबर टू नेशनलिज्म इन इंडिया ये दो चैप्टर इंडिया आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर है सो नेशनलिज्म मीन्स लव टूवर्ड्स ओ नेशन अपने देश के प्रति प्यार होना प्यार होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आपने 15 अगस्त को सेलिब्रेशन करनी है और 26 जैन को आप लोगों ने एक झंडा रहा देना नेशनलिज्म सिंपली मीन्स जब आपको देश का दर्द दिख रहा हो जब आपको फील हो रहा हो कि मेरे होने से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा मैं अगर 30 इयर्स का हो गया 30, मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए यह प्यार है प्यार सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करने से होता है अगर हम अपने माता पिता को सिर्फ यह कहते रहे कि हाँ मुझे तो मोहब्बत तो है आपसे हाँ है लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए उनके लिए उनको कुछ हेल्प नहीं कर पाए तो वो प्यार नहीं है वो सिर्फ बातें हैं तो देश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है और वही चीज के बारे में वो थ्रू आउट हिज कैरियर हिस्ट्रेस द इंडियन नेशनल आइडेंटिटी विच ओवर रोड बाय रिलीजियस विच ओवर रोड बाय द कास्ट क्लास और ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी अगर खतरा हमारे समाज को हमारे देश को अगर किसी से है ये जो कास्ट सिस्टम है अदर ग्रुप कॉल क्लास एंड कास्ट एंड द रिलीजियस और इथनिक डिफरेंसेस फॉर हिम द कंट्री इज इंडिया एंड नेशनलिटीज इज इंडियन ये आप ये छोड़ दीजिए कि आपका धर्म ये है बहुत समय से हम लोग भी अब सुनते आ रहे हैं थक चुके हैं देखिए हर कोई अपने अपने धर्म में बिजी है जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपना ले देखिए वर्ड इंटेलेक्ल वर्ड है वो कहते हैं कि देखिए आप ये जो है ना ये सारी चीजें आप डिफरेंस जो है ना ये ये अपने पास रख लें आप ये देश को ना दें अपने तक रखें तो ठीक है क्योंकि आपके लिए देश क्या फॉर हिम द कंट्री इज इंडिया एंड नेशनैलिटी इज इंडियन बात खत्म हो जाती है फिर इसके बाद आप किसी से बार बार स्ट्रेस होके ना पूछें क्योंकि वो क्रिएट होगा उससे समाज बढ़ जाता है। और अगर आप देखेंगे अगर हम कहीं पर बैठे होते कास्ट पूछी जाएगी फिर आपकी क्लास पूछी जाएगी भाई मेरी बात तो एक ही है कि आप देश के अंदर रहते हैं ना फॉर हिम कंट्री इज इंडिया एंड नेशनैलिटी इज इंडियन दैट्स इनफ फिर इससे आगे पूछने की जरूरत मुझे नहीं लगता है क्योंकि वो एक पर्सनल चीज है उसकी उसकी कास्ट उसका पर्सनल है कैसी है जैसी है अच्छी है उसका धर्म कैसा है उसके लिए अच्छा है हाँ देश एक है आप देश के तौर पे अगर आप उनसे पूछ रहे हैं तो दैट्स गुड और आज हमारे समाज के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा इशू जो है वो यही है होपफुली आप इन बातों को एग्री भी करेंगे एक पर्सनैलिटी का होना यही इंपॉर्टेंट होता है दादा नरोजी स्टार्टेड लाइक सम ऑफ हिज बेस्ट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ टॉलरेंस देखिए बर्दाश्त कीजिए टॉलरेंस का एक शब्द जो वर्ड यूज किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस एंड ट्रेडिशन इन टर्न शेप द पॉपुलर इमेज ऑफ अर्ली इंडियन नेशनलिज्म। भारत का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे इंडिया इज नोन फॉर इट्स टॉलरेंस आई स्टिल रिमेम्बर सम ऑफ द एंशियंट डायनेस्टी कॉल्ड चोलाज पांड्याज संगम एज

आप बहुत ही फ्लेक्सिबल हो आप किसी भी इन्वामेंट में फिक्स हो जाएं जहां पे भी जाएं आपको ऐसा लगे कि हां ठीक है नो प्रॉब्लम एट ऑल आपकी ड्यूटीज हैं आपका बहुत सारी चीजें अपनी होंगी लेकिन अगर आप अपने आप को टॉलरेंट नहीं रखते हैं तो आप किसी भी इन्वॉल्व ना तो एक अच्छे ऑफिसर बन पाएंगे ना ही आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे क्योंकि आप अगर यह उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग आपको समाज के अंदर मिलते रहे तो यह पॉसिबल नहीं है शायद मुश्किल है इंपॉसिबल है यहाँ मैं ये मैं ये तो नहीं सोच सकता हूं ना कि सुहेल तुर्की जैसे लोग हमेशा मिलेंगे मुझे नहीं कुछ अच्छे भी होंगे कुछ बुरे भी होंगे लेकिन मुझे अपने आप को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग वही चीज इंटेलेक्चुअल बनाती है इंसान को और यही चीज उन्होंने कहा था कि भारत की सबसे बेहतरीन ट्रेडिशन में से एक ट्रेडिशन जो है टॉलरेंस का है लेकिन मुझे खतरा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये टॉलरेंस जो है वो खत्म हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दैट मेड अ कांग्रेस इट वॉज डाइवर्स पार्टी अफकोर्स With the Hindu, with Muslim, with Christian, with Jewish, with Sikh. Sub kuch is may include tha. And uh, naroji put great effort to reach out to the Muslim, particularly after the educationist Sayyid Ahmed Khan and reputed that the organization in 1887. And after the wave of communal violence striking northern India and Bombay in 1893, he worked for the Muslims. He let both Muslims and Hindu come together. Under one shelter, and I believe that being as a part of this society, I believe that still we have to go for a long run. And I say, in Turkey, mostly believe that both the Hindu, Muslim, Sikh, Isai, and they all religious has to come together and now work for together because, uh, one thing that I believe karta ki, jitna peace and prosperity ki, aap ko bahut se samaj payenge और मुझे ये लगता है कि उनका ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा था क्योंकि वो खुद एक पारसी थे और उन्होंने कोशिश की कि सर सैद अहमद खान के साथ मिलकर एंड बहुत एक एफर्ट लगाया था कि मुस्लिम तक रीच किया जाए मुस्लिम को समझाया जाए ये जो हमारे कम्युनल वायलेंस हो रही इसको खत्म कर दिया जाए कम्युनल वायलेंस से कभी भी किसी देश का कोई फायदा नहीं हुआ अभी भी याद करते हैं हम लोग वो पार्टीशन का दिन अभी भी नहीं भूले क्योंकि जब जब समाज के अंदर System पे रिलीजन के ऊपर बातें होंगी तो कम्युनल वायलेंस होगा और communal violence में दोनों से नुकसान होता है खान. और ये चीजें आज जरा समझने की वाज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट थ्राइस इन हिज लाइफ इन 1886 इन 1893 इन हंड्रेड एंड बहुत बड़ा काम किया है काफी मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है इनकी भारत की इतिहास के अंदर एंड ऑफ कोर्स ही वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी मैं आज भी मानता हूं कि बहुत कुछ सीखने के लिए है अगर आप देखेंगे चेक करेंगे तो कुछ काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं किस चीज के बारे में बात की है उन्होंने वाई एज फार एज द आउटरीच इन द माइनॉरिटीज ये माइनॉरिटीज का कंसेप्ट गांधी जी ने भी उठाया था क्योंकि एक इश्यू था उस समय क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि माइनॉरिटीज नरोजी अंडरस्टूड ए फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट हिज कंट्री कि अब मेरे भारत की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो समझ नहीं है अकॉर्डिंग टू नरोजी इंडिया वर्क बेस्ट व्हेन इट वर्क टुगेदर भारत तभी अच्छा करता है जब भारत मिलके काम करता है भारत तब अच्छा काम नहीं करता जब अलग अलग बटाव होता है ये उनकी एक एक कंसेप्ट है और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि अगर आज भी हम समझ लें और ये उन लोगों को बताया जाए जो हम लोगों को

बी आर अंबेडकर भी कहेंगे याद करिएगा मैं उनके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं कि माइनॉरिटीज के ऊपर वो कहते हैं कि मुझे डर है कि कहीं स्टेट लेवल पे इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो दैट्स व्हाई ही बिलीव इन द सेंट्रल डेमोक्रेसी कि सेंट्रल डेमोक्रेसी हमें बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी और यही वजह है कि दादा भाई में माइनॉरिटीज को कहते हैं क्योंकि वर्क टुगेदर अगर करना है व्हेन इंडिया विल वर्क बेस्ट

That they were above all the of their कोई बंदा भी भारत से बढ़कर नहीं होगा हाँ उसका रिलीजन उसकी कास्ट वो उसका पर्सनल है उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अगर ऐसी चीजें समाज के अंदर यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आएंगी तो डेफिनेटली पॉलिटिकल सिस्टम रन नहीं करेगा और यह बात करने की जरूरत क्यों पड़ी होगी क्योंकि सेशन इसलिए होते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ना है इसलिए हुई थी क्योंकि उससे पहले भी कम्युनल वायलेंस के खतरे थे तो उन्होंने कहा था दैट दे वेयर इंडियन फर्स्ट एंड दैट दे वेयर अपो ऑल द इंडियन इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस बैकग्राउंड मैं अगर पारसी हूं तो मुझे मुसलमान का काम करना है अगर कोई मुस्लिम है तो उसको हिंदू का काम करना है अगर कोई हिंदू है उसको क्रिश्चियन का काम करना है क्योंकि पहले हम इंडियन है बाद में हमारी सारी जात पात जो भी है वो आती है ये आज सीखने की जरूरत है और मैं तभी बार बार कह रहा था कि इस पर्सनैलिटी को आज कंटेम्प्रेरी इंडिया में डाल के जरा देखिए तो आपको लगेगा कि सर ऐसे लीडर कहां है अपार्ट फ्रॉम दैट अर्ली आर्किटेक्चर ऑफ एंटी कॉलोनिज्म के तौर पे अगर देखू तो दादा भाई नरोजी वॉज अमाउंट द की प्रोमेंट ऑफ द ड्रेन थे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसने उनको मशहूर किया वो था ड्रेन इन विच ही हैज गिवन अ फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट इन इज बुक इन नाइन हंड्रेड वन द बुक इज नोन एज पोवर्टीश रूल इन इंडिया जहां पर उन्होंने पूरी तरीके से बताया था कि आखिर भारत से किस तरीके से ये जो वेल्थ है वो लूटी जा रही है और ये लूटने का तरीका किस तरीके से है जो कि बाद में अंग्रेज बिल्कुल मना कर देंगे कहेंगे नहीं हम तो नहीं लूट रहे ये तो दादा भाई नरोजी ने खुद ही लिख दिया कमीशन बिठाइए और कमीशन में चेक कीजिए कि हमने तो कभी पैसा लूटा ही नहीं लेकिन यह बात उनकी सही साबित हुई क्योंकि आज भी हम मानते हैं कि भारत के अंदर से जितना भी पैसा लूटा गया वो ड्रेन ऑफ वेल्थ में पूरी तरीके से दिया गया और तब जाके इस बुक के अंदर जब ये हम लोगों ने पढ़ा ये थेरी बहुत ज्यादा फेमस हो गई तब हमें पता चला कि वाकई में भारत के अंदर से ये जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ये गरीबी का जो कारण था भारत जो आज आर्थिक मंदी से गुजर रहा है एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं मैं उनको बीइंग नॉट टेकिंग एज अ पॉलिटिकल लीडर के तौर तो पे तो मैं नहीं लेता हूँ बिकॉज अगर पॉलिटिकल लीडर के तौर तो पे लिया तो शायद में भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा बट हाँ एक अच्छे हिस्टोरियन के तौर तो पर अगर मैं उनको पढ़ता हूँ तो शशि थरोर एक बुक में अपनी जो रिसेंटली उन्होंने बुक लिखी उसमें उस उन्होंने जो मैंशन वोड किया वो यही किया था कि एक लूट थी और अंग्रेजों के जो आप लोगों को वॉशरूम के ऊपर वो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट था कि जो आपको वहाँ पे वॉशरूम दिखते हैं उनमें भी भारत का सोना अभी भी लगा हुआ है तो इट क्लियरली शोज दैट हाउ दे एक्चुअली टुक ऑल दे गोल्ड फ्रॉम इंडिया इन इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडिया से ली गई और ये सारी चीज़ें ड्रेन थेरी ये सारी चीज़ें जो है दिखाई गई एंड आफ्टर व्हाट इज़ ड्रेन थेरी इट वाज अ थेरी रिगार्डिंग कि पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे इम्पीरियल ब्रिटेन वॉज ड्रेनिंग अवे इंडिया वेल्थ इट से एक्सप्लाइटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूडिंग इंडियन रूल बाय द फॉर दी फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द ब्रिटिश सिविल एंड मिलिट्री जो भी यहाँ पे रूल कर रहे थे उस सब लोग तो भारत को ही उठाना पड़ रहा था और इंडिया को ये सारी चीजें खुद के लोगों के लिए कुछ नहीं था हमारे यहाँ पे बंगाल में बहुत बुरा हाल था बंगाल बिहार उड़ीसा में बुरा हाल था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंडिया का क्या हाल है पैसा जितना भी है वो बाहर जाना चाहिए एंड इट वॉज एक्सप्लाइटेशन ऑफ द कंट्री ड्यू टू द फ्री ट्रेड रिमेंबर आई टॉक अबाउट द द फ्री फ्री ट्रेड ट्रेड इट वॉज स्टार्टेड बाई दे ड्यूरिंग द मुगल टाइम विच इज नोन एज दस्तक पास एंड फरमान की ड्यूटी फ्री आप काम कर सकते हो दस्तक एंड फरमान आपको पैसा और कोई भी ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है आप जैसे लूटना चाहें लूट लें सो नॉन इंडियंस टेकिंग अवे भारत से कमा रहे हो और वो खर्च कहीं और कर रहे हो like, लाइक कैसे पॉसिबल है कैसे सर्वाइव करेंगे भाई आप भारत में सब कुछ कर रहे हो खा रहे हो पी रहे हो अपने मिलिट्री को भी पैसा दे रहे हो अपने बड़े बड़े दफ्तर बना के रख दिए हैं और यहां का पैसा आप लोग यूरोप में जाके खर्च कर रहे हो फिर वॉर के ऊपर लगा रहे हो आप अपने घर बना रहे हो सो so, ये था बेसिकली ड्रेन ऑफ वेल्थ में जो उन्होंने इस बुक के अंदर मेंशन भी किया द इंटरेस्ट दैट इंडिया पेड ऑन इट्स पब्लिक डिबेट हेल्ड इन ब्रिटेन और आपको याद होगा कि यहां से हम लोगों का जो इकोनॉमिक सिस्टम वो जो गिरा फिर वो वापस नहीं बन पाया मुझे अभी याद आता है क्लास एट की एनसीआरटी का चैप्टर नंबर टू

उसका सारा कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है वो ब्रिटिशर्स को जाता है और उसको दादा भाई नरोजी अपनी बुक के अंदर एक बिक का नाम याद रखिएगा पॉवर्टी एन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया और थीरी का नाम ड्रेन इन थ्री वो इसमें ये सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से अब ये बुक जो है लोगों ने पढ़ना शुरू कर दी अब लोगों ने पढ़ा तो डेफिनेटली एक रिवॉल्ट होना शुरू हो गया कि भाई तो ये सच में अंग्रेज तो हमें लूट रहे हैं तो अंग्रेज लोगों को ये लगा कि शायद लोग अवेयर हो गए और लोगों को पता चल गया कि हम चोर हैं और हम पैसा लूटने के लिए आए हैं तो उन्होंने दादा भाई नरोजी को यह क्लियर कर दिया कि ये बुक जो है ये गलत है और इसमें जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं उनकी कोई भी अथेंटिसिटी नहीं है और हमने ऐसा कोई भी पैसा भारत से नहीं लूटा है हम जो भी पैसा ले रहे हैं या अभी तक जितना भी पैसा हमने इंडिया से लिया है उसके बदले में हमने बहुत कुछ इंडिया को दिया भी है जबकि ऐसा सच था नहीं सिर्फ लूटने के लिए ही वो आए थे ऑलवेज फाउट फॉर द इंडियन इंटरेस्टर फाउट फॉर पोलिटिकल पार्टी फॉर इंडिया अच्छा लगता है उनका ब्रिटिश पार्लियमेंट एटीन नाइनटी टू नोरोल्फ टू बी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव रेदर देन कॉलिंग एज ए पार्सी रिप्रेजेंटेटिव कॉल हिमसेफ एज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव someone who would ऑन on ऑफ इस कंट्री मैन एंड कंट्री वीमेन तो ये चीजें ना जो आज हमें दिखने को मिलती है मैं तभी कह रहा हूं ना कि अगर आप आज जो आप लोगों को जो दिखता है वो पार्टी नेशनलिज्म हो चुका है वो पॉलिटिकल नेशनलिज्म और कंट्री नेशनलिज्म नहीं है वो पार्टी नेशनलिज्म आपको दिखता है अपार्ट फ्रॉम दिस वॉज एन एफरमेशन दैट सम फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी कुड रिप्रेजेंट क्योंकि वो भी माइनोरिटी से थे पारसी थे और ये उम्मीद से कुछ ज्यादा मिल गया हम लोगों को कि उन्होंने एक माइनॉरिटी होने के बाद भी रिप्रेजेंट ऑफ ऑल इंडिया उन्होंने खाली अपने लिए नहीं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं पूरे भारत के लिए उन्होंने जो है लड़ा है एंड दैट इंडिया कुड प्लेस देयर फेथ इन पर्सन हु डिड नॉट शेयर देयर रिलीजन लैंग्वेज कास्ट और अ बैकग्राउंड तभी कहा था कि एक जब पॉलिटिकल लीडर हो ना पॉलिटिकल लीडर से कभी अच्छा नहीं लगता है कि वो किसी सोशल मीडिया पे आके ये कहे कि मेरा धर्म ये है और मैं अपने इस धर्म को बचाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि उस पॉलिटिकल लीडर से मैंने ये उम्मीद दही की होती है कि वो अपने रिलीजन के प्रोटेक्शन की बात करे या फिर किसी वो ये कहे ये इस तरीके की बात करे कि दैट अ मैनोरिटी कम्युनिटी रिप्रेजेंट ऑफ ऑल इंडिया ये वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कॉलिंग दे कि हम लोग आए हैं हमारा ये है हम लोगों को ये करना है क्योंकि उससे दिक्कत यह होती है कि जो दूसरे फेथ के लोग होते हैं जो दूसरे धर्म के वो अपना फेथ उड़ जाता है फिर उससे वो नहीं रहता तो मैं ये चाहता हूं कि अगर सम वन फाइट ऑन बिहाफ ऑफ इस कंट्री मैन एंड कंट्री वॉट एज ए कम्युनिटी बोर्ड पर देखा जाए रिप्रेजेंट ऑल ऑफ इंडिया आपको पूरे रिप्रेजेंट एंड कुड प्लेस देयर फेथ इन पर्सन हुट शेयर द रिलीजन नॉट शेयर द लैंग्वेज कास्ट और बैकग्राउंड मेरा बैकग्राउंड क्या है मेरा रिलीजन क्या है मैं कौन सी लैंग्वेज करता हूं मैं किसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं अगर ऐसी चीजें आप बोलेंगे एज ए बींग एज ए पोलिटिकल लीडर तो फिर जो दूसरे समाज के लोग हैं फिर टॉलरेंस का वो वोट बिल्कुल खत्म हो जाएगा है ना ग्रेट लीडर मानते हैं कि ग्रेट लीडर हैं ये चीजें आज चाहिए तभी मैं कहता हूं एंड लिमिटेशन ऑफ द नेशनलिज्म अगर हम नरोजी को भी थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पे देखें ब्लाइंड टुवर्ड्स द टूवर्ड्सिबिलिटीज नरोजी वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्लाइंड टू द इशू ऑफ अनिटीज एंड ग्लैरिंग इंडियन पॉवर्टी वो थोड़ा बहुत इकोनॉमी के तौर पे वो ज्यादा जाने जाते हैं अनटचेबिलिटी के ऊपर उन्होंने उतनी ज्यादा बात नहीं की थी डिसलाइक मास मूवमेंट वो नहीं चाहते थे ही इंडोरस स्वदेशी बट हेजिटेटेड अबाउट ए ही कंसीडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल सच एज मास बायकॉट एंड स्ट्राइक वो नहीं चाहते थे कि स्ट्राइक हो बाइकआउट हो क्योंकि उनके लिए ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक्सट्रीम चीजों पे बिलीव नहीं करते थे क्योंकि एक मॉडरेट थे तो उनका ये मानना था कि जो चीज प्यार मोहब्बत और सुलझा के बात करके आ सकती है वो लड़ाई झगड़ों से नहीं आती ये उनका एक फेथ था और हर एक की आइडियाज अपने होते हैं आप इस पर आप उनको ये नहीं कह सकते कि सर उन्होंने क्यों नहीं स्ट्राइक की मैंने पहले भी बोला है कि देखिए हर एक का अपना अपना तरीका होता है कि वो किस तरीके से लड़ता है और हमें हर एक आइडिया को रिस्पेक्ट करनी चाहिए लेकिन जो उनकी बातें हैं वो डेफिनेटली आज भी हमें शो होती हैं कि वाकई में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होपफुली आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ये जो फोर्टी मिनट्स आपने मुझे दिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी को पढ़ा आज जो स्पेशल क्लासेज मेरी हो रही हैं जो कि बिल्कुल फ्री रहेंगी एग्जैक्टली ट्वेल्व आफ्टरनून पर मेरी क्लास होगी ऑन स्पेशल क्लास इंडियन सोसाइटी करंट अफेयर्स की क्लास हम लोग करने की कोशिश करेंगे इसमें दो मोमेंट्स में दो, में, uh, दो आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा प्लस क्लासेस में मेरा नया कोर्स एनसीईआरटी का शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ में और यू कैन यूज माय कोड कोर्सेल टेन टू गेट अ टेन परसेंट ऑफ डिस्काउंट एंड दोस हु वांट टू टेक लाइक लाइव क्लासेस और फ्री स्पेशल क्लासेस दे कैन यूज टेन और अभी ये स्पेशल क्लासेस होंगी एंड uh, जो कैंडिडेट्स आज पहली बार जुड़े हैं एंड आफ्टर ट्वेल्व देर विल बी ए क्लास एक्जैक्टली एट फाइव पी एम आंसर राइटिंग की क्लास होती है uh, हर हाँ दिन होती है आंसर राइटिंग की क्लास और ये भी आपको स्पेशल क्लास में मिलेगी डू डाउनलोड दिन अकेडमी लर्निंग एप ये स्पेशल क्लास जो होगी इसमें हम जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो एंशियंट हिस्ट्री की आंसर राइटिंग कर रहे हैं सो यू कैन जॉइन मी दियर एज वेल सो दो कैंडिडेट्स और लुकिंग फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दे कैन गो फॉर वन ईयर कोर्स अ टू ईर एंड अपार्ट फ्रॉम देट दे विल गेट अ ट्वेंटी बुक्स I'm written by the topmost educators one year and two year subscription and uh, this is the best time to join with unacademy as uh, we have one day left those candidates who are looking for now to get a subscription so this is the best time to join unacademy you will have to pay only 63898 in which you will get a 20 books three month extension and test series as well by using my code and it will be valid only till 12th of jan

वहां पे आप मेरी क्लासेस प्रैक्टिस कर सकते हैं थैंक यू शालू Any other question, please? Yeah, Shivani, I'm taking a regular classes on An Academy and taking a regular classes on YouTube as well. And we are actually completing the uh, all the personality. And we have started this uh, from an alphabetic manner from A, B, C, and D. Is the is completed. Rahul uh, is saying, sir, your moral words and teaching is very good. Thank you so much for your love and support. May Allah bless you all. लिमिटेशन वॉज लाइक सिंपलीट बिजी इन लाइक इन नाउन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स फि कैन सेन थिंग लाइक एंड फेल टू गेट इन टू ए मास्ट मूवमेंट एज डेंट बिलीव इन सच काइंड बाइकऑट एज फर एज द मॉडरेट फेस इज कंसर्न दे मोस्टली बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड लाइक कि अगर कोई बदलाव आएगा के लिए लड़ाइयां और ये झगड़े करना जरूरी नहीं है रेवल्यूशनरी बनना जरूरी नहीं है वंस आई फिनिश द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर्सनलिटी वी कैन गो फॉर द मिडाइवल हिस्ट्री पर्सनैलिटी एंड एंशियंट हिस्ट्री पर्सनैलिटी एज वेल आई विल चेक थैंक यू शिवानी ममताज शेख सर विच टॉपिक ऑन 12 पीएम वी आर एक्चुअली गोइंग फॉर the indian society is concerned there are some schemes related current affair so you can join me there exactly at 12 pm you will get to know about my topic as yeah so thank you so much and i request all of you please do join the special classes as well exactly at 12 pm and do uh, join the answer writing classes as well uh, this is the link of my channel where you will get a notification regarding my classes and do join daily 10 a.m., my major, major personality of modern Indian history. Thank you so much for giving your valuable time. May Allah bless you all. It was great pleasure to have you here, all. And uh, I'm very, very much thankful to all of you and uh, giving your valuable time. Uh, hopefully, din bhi bada ga, uh, personality ko. tomorrow we will come with again if there is someone who is related to D word. It was Dada Bagh and Dayanand Saraswati. Let's see tomorrow. Another personality. Till then, take good care of yourself, stay safe and stabilized. So no, just suggestion to all of you that keep your content very less, go for more revision. And remember, if you are preparing for 2022 and 2023, this is the best time uh, to be with someone, have a good educator who can guide you properly. And remember, uh, UPSC is not only about knowledge, it, it, it simply means having a dimensional thought and how to know write a good answer how to represent the answer that is important uh, i'm here and i feel very blessed to be part of your journey if you give me a chance and uh, i love to be you uh, know guide you and stay safe and stay blessed